हेलो गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम सैमिंजा सैंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। अभी हम लोग करने वाले हैं ब्रिक्स टेक्सचराइजिंग हम लोग करते हैं अगेन वेट निकालने के लिए। जैसे आप लोग ने ट्विस्टिंग किया था ना, ट्विस्टिंग के अंदर हम लोग ने हल्के से सीजर्स टच किया था, वो और ये टेक्निक काफी सिमिलर है। मतलब हम लोग ब्रिक्स टेक्निक के ऊपर जो काम करने वाले हैं वो वेट ज्यादा निकालने के लिए काम करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गीले बालों पर भी काट सकते हैं और सूखे बालों पर भी काट सकते हैं। ये भी टेक्निक लंबे बालों के लिए है या बालों में से वेट निकालने के लिए। लंबे बालों के लिए तब है जब आप बालों में बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं कर सकते और आपने बीच बीच में से बाल काटा तो क्या होगा। जैसे आप ब्रिक्स टेक्निक पे बाल काटते हो या आप ट्विस्टिंग टेक्निक पे बाल काटते हो, बीच बीच में से बाल निकलते हैं। जहां बीच बीच में से बाल निकले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बालों के अंदर मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। मतलब जहां उसको स्पेस मिला बाल को, वहां पे वो टर्न हो जाता है और बीच बीच में से जहां से टर्न शुरू हो गया वहां पे आपके बाल वेवी हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये टेक्निक पे काम करते हैं। आई होप आपको ये भी टेक्निक बहुत अच्छी लगेगी, ईजी है। और ब्रिक्स टेक्निक इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि जैसे आपने ईंटें देखी है ना, वन कैसे लगाते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद हम बीच में लगाएंगे, उसके साइड में लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, तो आप देखेंगे कैसे काटेंगे, 1 2 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1 2 3, फिर उसके बाद 2। सो इस टेक्निक पे काम करेंगे विच इज कॉल्ड ब्रिक्स टेक्सचराइजिंग टेक्निक। आई होप आप लोगों को ईजी भी लगेगा और मजा भी आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। कोई भी टेक्सचराइजिंग आप लोग करते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखें, आपका जो सीजर्स के ऊपर होल्ड है ना वो अच्छा होना चाहिए। हल्के हाथ से करना है, कोई भी टेक्सचराइजिंग है बहुत हल्के हाथ से करनी है तभी उसका प्रॉपर रिजल्ट आता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्सचराइजिंग मैं कर रहा हूँ उसके पीछे के रीजन क्या है। रीजन मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, कोई भी टेक्सचराइजिंग हो, कहाँ पे मूवमेंट ज्यादा लेना है, कहाँ से वेट ज्यादा निकालना है, कहाँ पे फ्लिप आउट ज्यादा देने हैं, आप उस हिसाब से उस टेक्सचराइजिंग को समझ सकें और उसके हिसाब से करें। सो देखते हैं ब्रिक्स टेक्निक। यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा, 1 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट। और जब आप कॉम करोगे तो देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बाल जो है इसमें से निकल के आए हैं। दिस इज द ब्रिक टेक्सचराइजिंग टेक्निक। सो आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और बहुत ही इजी वे में हम लोग कर रहे हैं ब्रिक्स टेक्सचराइजिंग टेक्निक। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियोस लग कैसी रही हैं। कोई भी आप लोगों के सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय, शबा खैर।